हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज क्लास 9th और आज हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन चैप्टर जो है आपका, उसमें मैंने आपको यूज ऑफ हैज टू हैव टू करा दिया है, उसे रिवाइज करेंगे और अपने आप उन सेंटेंसों को फ्रेम करेंगे। यूज ऑफ हैज टू हैव टू ये हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत यूज आता है। उसके बाद प्रीवियस क्लास में मैंने आपको हैड टू का यूज कराया था और हैड टू का आपको सिंपल सेंटेंस कराया था। आज नेगेटिव देखेंगे और जो यूज ऑफ हैज टू हैड टू उसमें भी आपको सिंपल कराया, नेगेटिव और इंटरगेटिव। मैंने ये कहा था आपको अपने आप करना है, लेकिन अभी तक किसी बच्चे ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए हम हैड टू का यूज नेगेटिव में करा रहे हैं और फिर इंटरगेटिव में करा देंगे। ध्यान से देखेंगे, ऐसे ही आपको हैज टू और हैड टू का हैड टू सेम ऐसे ही करना है, ये अपने आप कर सकते हो तुम। देखेंगे ना, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस टू प्लस मेन वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस का मीन्स क्या होता है, जिसमें हमारी नहीं आती है, जो सेंटेंस हमें नरेशन दिखाता है। इन हिंदी हम कहें तो नहीं आता, मुझे खाना नहीं पकाना पड़ता था, मुझे गाना गाना नहीं पड़ता था, मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं पड़ती थी, मुझे सुबह जल्दी नहीं जगना पड़ता था। इस तरह के जो सेंटेंसेज होंगे वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होंगे और इसमें क्या आता है, नहीं आता है। क्या आता है, नहीं आता है। तो मुझे की क्या है, आई पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ये मैंने बताया था आपको हेड टू का यूज है। भाई कंपल्शन है हमारी बाध्यता के लिए, और पास्ट में जो बाध्यता उसके लिए हम हेड टू का यूज करते हैं, और जो प्रेजेंट टेंस में कंपल्शन होती है, बाध्यता होती है, मजबूरी होती है, उसमें हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। आई हैड नॉट टू, आई हैड नॉट टू पकाने क्या है, कुक फूड। आई हैड नॉट टू कुक फूड, उसे अंग्रेजी में ही पढ़ानी पड़ती थी, पढ़ानी। ही उसे की क्या आ गई, ही पढ़ती थी, वही है कंपल्शन है, क्या लगाएंगे हैड, नहीं क्या है नॉट। To teach English, he had not to teach English. तुम्हें मैदान में क्रिकेट नहीं खेलनी पड़ती थी, you had not to play cricket in the field. इस तरह से आप negative sentence के structure आपको अपने आप frame करनी, और interrogative जो sentence है उसका मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हम structure frame करेंगे। इंटरगेटिव सेंटेंस यहाँ पर write करेंगे, इंटरगेटिव सेंटेंस रूल फर्स्ट yes, comma, no, और सबसे पहले had plus subject plus to लगा देंगे। मेन वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब इन द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क कर सकते हो आप। क्या उसे खाना पकाना पड़ता था, क्या उसे मंदिर जाना पड़ता था, क्या तुम्हें दिल्ली जाना पड़ता था, क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता था, क्या तुम्हें सब्जी पकानी पड़ती थी, क्या तुम्हें नाचना पड़ता था, क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता था। इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हो। जो मैंने सेंटेंस बोले उनको आप हिंदी में सुनेंगे और इंग्लिश बनाएंगे, और बहुत ही यू कैन डू इट, आप इन्हें कर सकते हो। होमवर्क में ये आपके लिए होमवर्क है, 20 सेंटेंस आपको फ्रेम करने, एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस, 20 सेंटेंस आपको फ्रेम करने। ओके, थैंक यू।